हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सारपी लाइट्स और पार लाइट को कैसे अपन डीएमएक्स 512 पे दोनों को कनेक्ट करके चला सकते हैं। और चाहे आपके पास 2 सारपी हो, 4 सारपी हो, 6 सारपी हो, सारा आपको डीएमएक्स में लाइट भी आप पार लाइट भी चला सकते हैं और सारपी लाइट दोनों कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ डीएमएक्स, वो बिग डी पर का है। आप स्टैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, मैंने पार लाइट और ये 2 सारपी लाइट्स जो है वो मैंने अपने कनेक्ट करके रखा है डीएमएक्स में। और कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्या नंबरिंग करनी है, क्या एड्रेसिंग रहेगी, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इस तरह के रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो देख सकते हैं, ये डीएमएक्स 512 है और दोनों सारपी लाइट्स और पार लाइट को मैं इसमें कनेक्ट करके चलाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि मेरी जो सारपी लाइट है, मूविंग हेड है, इसमें आपको डीएमएक्स 512 का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको एड्रेसिंग जो है वो चेंज करनी होगी, 001 आपको करनी होगी। जितने भी आपकी लाइट हैं, पार लाइट है, पार लाइट में आपको अलग करना होगा, उसका एड्रेसिंग मैं आपको बताऊँगा। और इसमें आपको अगर 4 सारपी हैं तो 4 सारपी में आप 001 कर दीजिए, या फिर 0017 कर दीजिए। अगर आपको अलग अलग करना है, अलग अलग चलाना है, तो आप अलग अलग एड्रेसिंग कर दीजिए। तो अभी मैं आपको 001 करके आपको दोनों सारपी 001 हो चुकी है, तो दोनों सारपी में मैंने कर दिया है। अब आप चलते हैं पार लाइट में। पार लाइट का अलग एड्रेसिंग होगी जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और इसमें कपलिंग की अभी हम बात करें तो कपलिंग कैसे करेंगे, तो जो अभी आप देख सकते हैं ये बैक साइड है, जो मेरी मूविंग हेड है उसका जो मेन आउटपुट है उसका मैं इसमें इन कर दूंगा। जो मेरा डीएमएक्स से निकल के आया है उसमें आपको आउटपुट करना है इसमें, और उसके बाद इससे जो निकल के आउटपुट आउटपुट जाएगा उसमें इन होगा। तो इस पर आपको लीड निकालनी होगी, उसके बाद इसमें इनपुट करना होगा। तो आप ऐसे कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या होगा, उसके बाद अगर आपको जितनी पार लाइट है, पार लाइट में भी आप एक एड्रेसिंग कर सकते हैं। अगर आप एक एड्रेसिंग कर रहे हैं सारपी लाइट में, अगर आप 001 कर रहे हैं तो उसमें 001 करिए। और ये देख सकते हैं, ये दूसरी अब मेरी कपलिंग की जो है ये मेरी लाइट से निकल के आ गई है। तो जो लास्ट का थेजर बचेगा उसमें आप इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया मेरे कपलिंग का। अब इसमें अपन चलते हैं एड्रेसिंग का। तो एड्रेसिंग कैसे करते हैं, एड्रेसिंग देख सकते हैं 70 आप कर दीजिए, 17। अगर आपकी पार लाइट 30 लगी है, 35 लगी है, 40 लगी है या 20 लगी है तो आप कर सकते हैं, उसमें एक ही एड्रेसिंग कर दीजिए, उससे कोई मेथड नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं 001 है, जैसा कि हमने बताया था कि सारपी में 001 है, तो इसमें आप दूसरा एड्रेसिंग कर सकते हैं। कि जैसे इसमें मैं आप कर दूंगा 17 कर दूंगा, उससे क्या होगा कि आपका जो मिक्सर का एड्रेसिंग है वो मैच हो जाएगी। तो इसका एड्रेसिंग देख सकते हैं 17 हो गया, और इसका मैचिंग सेकंड थिएटर में चला गया होगा। उसके बाद अब अपन चलते हैं मिक्सर पे। तो देख सकते हैं ये पूरा आउटपुट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपन मिक्सर पे। मिक्सर में क्या होगा, इसमें आप देख सकते हैं मिक्सर में आपके ये एलईडी एक चैनल में चलेगी, एक बटन पर चलेगी, और 2 सारपी लाइट एक एक बटन पर चलेगी। तो हमारी ये सारपी लाइट, सारा एलईडी पार लाइट सब कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और देख सकते हैं इसमें जो सेकंड थिएटर है वो है मेरे एलईडी पार का, और जो फर्स्ट थिएटर है वो है मेरे आपका सारपी का। तो सो फ्रेंड्स, मैंने लाइट्स ऑफ कर दिए ताकि आपको स्कैनर्स दिख सकें। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें कि फर्स्ट में मैंने डाल रखा है सारपी लाइट्स, और सेकंड में डाल रखा है पार लाइट। तो पार लाइट सेकंड में डाल रखा है, इसमें देख सकते हैं जो पार लाइट वो है, और आपका फर्स्ट नंबर पर है जो वो सारपी लाइट्स है। तो इसको आप जो थिएटर सेलेक्ट करेंगे उसी को आपको ऑन करना है, देन उसको ऑफ कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट नंबर पर मैंने सारपी लाइट डाल रखा है, तो इसमें आपका थिएटर इसमें लैम्प है, तो उसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें लैंप आ चुका है, और जो फर्स्ट थिएटर था उसका देन उसके बाद ऑफ करने के बाद देख सकते हैं इसमें ऑन हो चुका है। अगर आपने मेरी इसमें जो लैंप है, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी डीएमएक्स के ऊपर कई सारी वीडियोस बनी हुई है, जाकर आप वॉच कर सकते हैं। कई सारी मैंने वीडियोस बना रखी है तो आप देख सकते हैं। देन उसके बाद 1 नंबर को आपको ऑफ कर देना, देन सेकेंड नंबर को ऑन करने के बाद आपको सेकेंड नंबर के बाद ऑन करने के आपको इसमें लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। आपको थिएटर उठाना है, देख सकते हैं इसमें रेड ग्रीन ब्लू जो भी है मल्टी कलर वो सारे कुछ आने लगे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं स्कैनर से बटन से आप पूरा इसमें चला सकते हैं, और इसका जो भी कलर वाइज है सब चेंज कर सकते हैं। और कई सारी मेरी वीडियोज़ हैं प्रोग्रामिंग की, रनिंग की, जो कि डीएमएक्स के ऊपर हैं, आप वॉच कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर कई सारी वीडियोज़ हैं,
और डीमैक्स के ऊपर पायलट 2000 में भी है और साउंड से रिलेटेड भी कई वीडियोस हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, और ये थिएटर आप अगर 30 लाइट ले रहे हैं, अगर आप 30 लाइट आपको ट्रस्ट पे चलानी है तो आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें प्रोग्रामिंग बनानी है, अगर आप डीजे में अगर कहीं भी ट्रस्ट में लगा रहे हैं तो उसमें आप प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, फिर आप बटन को सिलेक्ट करके आप चला सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग की वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो आप प्रोग्रामिंग की वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने डीमैक्स 512 में बताया हुआ है कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, तो उसमें आपको सारा डिक्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें गोबो वगैरह भी बना सकते हैं आप, कलर वगैरह जो भी आपको चाहिए, क्लिपिंग वगैरह सारा कुछ इसमें प्रोग्राम बना सकते हैं, तो इसमें देख सकते हैं आप। और अगर आपके पास लाइट अगर 30-35 लाइट लगा रहे हैं, 25 लाइट लगा रहे हैं, तो उसमें आप अलग अलग एड्रेसिंग कर सकते हैं। जैसे आप शार्पी लगा रहे हैं 6, उसमें अगर आप LED लगा रहे हैं 25, तो उसका अलग अलग एड्रेसिंग होनी चाहिए, एड्रेसिंग मैच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी शार्पी और LED लाइट नहीं चलने वाली। तो आप देख सकते हैं इसमें सेटिंग वगैरह सारा कुछ मैंने कर दिया है, और आपका LED और आपका शार्पी दोनों दोनों ही चल रहा है। तो इस तरह आप दोनों लाइट और पार लाइट और शार्पी लाइट दोनों आप DMX के ऊपर चला सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो और इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जो म्यूज़िक पे रहेगी, पूरा म्यूज़िक पे प्रोग्रामिंग रहेगी, तो इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्लिपिंग हो गई, और कई सारे इसमें प्रोग्रामिंग है, स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें सीन का यूज़ कर सकते हैं, कई सारे इसमें प्रोग्रामिंग आप बना सकते हैं। तो मेरी कई सारी वीडियोज़ भी बनी हुई है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको सारा डिक्लियर हो जाएगा। इसमें पूरा प्रोग्राम और मिनी ऐड से आप पूरा ऐड कर सकते हैं लाइटों को। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियोस, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।